एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए दिस इज पार्ट थ्री ऑफ क्वेश्चन थ्री एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ फॉर रेट 3800। लेटर सी वाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रेट 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये, एक आपका कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने पहले 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है, सबको 3800 रुपीज में खरीदा। फिर उसने जो है 3 बैट्स और 5 बॉल्स को, ठीक है, टोटल आपका क्या होगा, 8 होगा टोटल क्वांटिटी में, 3 बैट्स और 5 बॉल्स को 1750 रुपीज में परचेज किया। ठीक है, तो इन टू कंडीशंस से आपको बताना है कि ईच बैट की कॉस्ट और ईच बॉल की कॉस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो है मुझे ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, जो भी मुझे फाइंड करना है उसी को एज्यूम करना टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ईच बैट की कॉस्ट को एक्स एज्यूम कर ले रहा हूं और ईच बॉल की कॉस्ट को बाई, आप और अनदर वेरिएबल भी ले सकते हो, ठीक है, ए बी या अल्फा बीटा या एल एम या एस टी, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो मैं एक्स वाई के फॉर्म में ज़ूम करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज बाय। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ए कंडीशन गिवेन है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक गिवेन है कि 7 बैट्स की एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट जो है 3800 रुपीज है। ठीक है, तो 1 बैट की आपकी कॉस्ट कितनी है, एक्स है, तो 7 की क्या हो जाएगी, 7x। ठीक है, क्या आपको 1 की फाइंड हो, आपको ज्यादा की फाइंड करना हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे 2 बैट्स की कॉस्ट अगर 1 बैट की कॉस्ट अगर 150 है तो 2 बैट्स की क्या हो जाएगी 300, आपने मल्टीप्लाई करके निकाला, 3 के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे अगर ईच बैट की कॉस्ट एक्स है, 1 बैट की कॉस्ट जो है वो एक्स है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x। ठीक है, एंड 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6 बाई, क्योंकि 1 बॉल की कॉस्ट क्या, बाई, तो 6 के लिए आप क्या करोगे, 6 में मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स की, वो आपकी गिवन है 3800। ठीक है, ये तो आपकी होगी क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है कि 3 बैट्स, ठीक है, 1 बैट कितने का है, एक्स का, तो 3 हो जाएंगे 3x के, एंड 5 बॉल्स, 5 बॉल्स 5 बाई रुपए की हो गई, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो बाई की है, तो 5 बाई की, और इन सबकी कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट कितनी है, 1750। ठीक है, ये आपकी होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मुझे किसी भी एक इक्वेशन से मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा और मैं उसे अनदर इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं सेकंड इक्वेशन से ही एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो यहां से आपका 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5 बाई। ठीक है, मुझे एक्स फाइंड करना है, तो बाकी जो भी आपकी वैल्यू है वो सब मैं यहां से हटा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने 5 बाई को हटाया, ये माइनस में पहुंच गया, अब 3 को हटाऊंगा मैं, तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा 13 माइनस 5 बाई अपॉन 3। अब इस एक्स की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, क्योंकि मैंने सेकंड से फाइंड किया तो मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये आपको हो जाएगा 7, x की वैल्यू है 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3 प्लस 6 बाई इक्वल टू 3800। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा है, अब ये कट तो होगा नहीं, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये आपको हो जाएगा 0
सेवन फाइव जा 35, थ्री कैरी, सेवन सेवन जा 49 और 3 52, फाइव कैरी, सेवन वन जा 7 और 5, 7 प्लस 5 आपका हुआ 12, ठीक है, तो आपका हो गया 12,250 माइनस 35 बाई, ठीक है, 75 जो 35 अपॉन पूरे का 3 प्लस 6 बाई इजिकल टू 3800, ठीक है। अब इसे मुझे सॉल्व करना है तो इसके नीचे मैंने ले लिया 1, अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा, तो इसमें तो 3 है ऑलरेडी, इसमें मुझे 3 करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा 18 बाई अपॉन 3 मंजर 3, इधर आपका ये है और इस साइड पे आपका है 12250 माइनस 35 बाई अपॉन 3। अब देखिए आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वो मैं एक ही बार लिखूंगा 3 और 12250 माइनस 35 बाई प्लस 18 बाई इजिकल टू आपका हो गया 3800, ठीक है। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, दोनों में बाई है तो ये आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 35 माइनस 18 होगा आपका 5, में से 8 जाएगा आपका बचेगा 7 और 2 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 1, ठीक है, तो ये आपका 17 बचा और 35 आपका बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और इधर आपका बचा 12250 बाई 17 बाई अपॉन 3 इजिकल टू 3800। अब मुझे बाई की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो बाकी जो भी है वो सबको मैं यहां से हटा दूंगा, तो ये सबसे पहले ये 3 जाएगा, ये आपका डिवाइड में है 3, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 17 बाई इजिकल टू 3800 मल्टीप्लाई 3, ये आपका हो गया 0038 जा 24, 2 कैरी, 33 जा 9 11, और ये आपका हो गया 12250 माइनस 17 बाई। अब मुझे बाई फाइंड करना है, ठीक है, तो सबको मैं यहां से भगाऊंगा, तो ये पहले ये आपका जाएगा ये प्लस में, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 17 बाई इक्वल टू हो जाएगा 11400 माइनस 12250। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये प्लस ये माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 0 और 5 में से 5, और ये आपको हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 8, तो ये आपका टोटल होता है 850 माइनस का, इधर आपका माइनस का 17 बाई, माइनस से माइनस कट हो गया, और ये आपका जो 17 मल्टीप्लाई में है बाई के साथ ही डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो आपका बाई इजिकल टू हो जाएगा 850 अपॉन 17। अब 17 फाइव जा 85, ठीक है, और ये 0, तो आपका बाई इजिकल टू क्या आ गया 50, मतलब 1 वॉल की कॉस्ट आपकी क्या है 50 रुपीज है, ठीक है। अब बैट की फाइंड करनी है तो आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हो, सेकंड में पुट कर सकते हो, या आपको जो डायरेक्ट ये एक्स इजिकल टू वाला रिजल्ट आया आप उसमें भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में पुट करूंगा तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर रहा हूं, तो यहां से आपका आ जाएगा एक्स इजिकल टू 1750 माइनस 5 और बाई की वैल्यू 50 अपॉन 3, 1750 माइनस 250 अपॉन 3, ये आपका बचेगा 1500, ठीक है, 1500 अपॉन 3, 3 5 जा, ये आपका हो गया 500, ठीक है, तो आपका जो 1 वैट है उसकी कॉस्ट क्या है एक्स रुपीज है, ठीक है। तो अब हमें दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं एक्स और बाई की, इट मीन्स हमें ईच कॉस्ट दोनों की फाइंड हो चुकी है, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा सो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू रुपीज 50, ठीक है। अब आपका आंसर सही है या नहीं इसके लिए आप जो है
जो भी गिवन कंडीशंस है उसमें वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। जैसे आपका सेकंड है थ्री बॉल्स, ठीक है, थ्री बैट्स और फाइव बॉल्स की कॉस्ट 750, तो आप में वैल्यू पुट करिए, थ्री बॉल्स की कितना होगा, थ्री बैट्स की 1500 और फाइव बॉल्स आपका हो गया 250, ठीक है, तो 1500 प्लस 250 आपका 750 हो गया। सेम फर्स्ट में भी आपको हो जाएगा सेवन बैट्स की कॉस्ट आपकी हो जाएगी 3500, ठीक है, और सिक्स बॉल्स आपके हो जाएगा 6 × 5 = 300, तो 3500 प्लस 300 आपको हो जाएगा 3800, ठीक है। तो आपकी जो है दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है।